हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने ब्लर फ्लूइड टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो अब आगे जो ब्लर के बारे में हम बात करें, तो ब्लर जो होता है वो सिमिलर, राइट? हम सबका ब्लर जो होता है वो सिमिलर दिखता है, बट देयर आर सम एस्पेक्ट्स, राइट? हम सभी के ब्लड में थोड़ा जो है हमें ब्लड सेल्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, और उसके बेसिस पे जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग होता है, राइट? आज हम जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, राइट, ब्लड ग्रुपिंग के टाइप्स देखेंगे। तो वो ब्लड ग्रुपिंग के टाइप्स किसके बेसिस पे? तो स्टूडेंट, जो हमारे ब्लड सेल्स, राइट, जिसमें स्पेसिफिकली आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम बात करें, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, समझो कि ये बाय कॉन्केव शेप ऑफ रेड सेल्स है, बाय कॉन्केव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, जिसके अंदर उसकी सरफेस के ऊपर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे बेसिस ऑफ द एंटीजेंस जो ब्लड ग्रुपिंग है उसके मेनली फोर टाइप्स है, ओके? फर्स्ट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप में ए बी एंड ओ, ऐसे फोर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये फोर टाइप्स किसके बेसिस पे है? तो ये प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस, राइट? तो यहाँ पे अगर क्या होगा कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, राइट, तो उसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। तो सामने स्टूडेंट उसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, राइट, एंटीबॉडीज वो आपको बी देखने को मिलेगी। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आपको ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन देखने को मिले, तो हम उसे कहेंगे बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसके सामने एंटीबॉडीज रहती है ए। अब स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंड बी बोथ एंटीजन अगर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज अ ए बी ब्लड ग्रुप। और सामने स्टूडेंट जो एंटीबॉडीज होती है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, ओके? जिसका ब्लड, मतलब जिसके ब्लड सेल्स के ऊपर ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, ओके? अब सामने ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करें, तो ब्लड ग्रुप ओ उसके जो सेल्स होते हैं, राइट, उसके ब्लड सेल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होंगे, और सामने उसके प्लाज्मा ब्लड के अंदर क्या होगी, तो ए बी एंटीबॉडीज होगी, राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो हमने किया है वो है ए बी ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, राइट? ए बी ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो किसके बेसिस पे है, तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, राइट? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट हो तो कौन सा ग्रुप होगा, ए ग्रुप। एंटीजन बी हो, बी ग्रुप, बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, दैट इज नोन एज अ ए बी ब्लड ग्रुपिंग, एंड इफ एब्सेंट द एंटीजन दैट इज नोन एज ओ ग्रुप, राइट? और उसके सामने एंटीबॉडीज जो होगी वो अपोजिट होगी, राइट? तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे ए बी ओ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ एंटीजन, ओके? तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, बट उसके पहले क्या की जाती है, कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि एक का ब्लड दूसरे के साथ मैच होगा या नहीं होगा, राइट? तो नॉर्मली क्या होगा, तो जो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, तो अब देखो ए होगा तो क्या वो बी के पास ले पाएगा, नो, बिकॉज ऑफ उसकी सरफेस पे बी एंटीजन है, तो वो मैच नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट
जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए या तो ओ ग्रुप का ले सकता है बिकॉज ऑफ इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, राइट। फिर बी होगा तो वो बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है बिकॉज ऑफ ए एंटीजन को वो नहीं प्रिफर कर पाएगा। क्या होता है तो अगर हम अगर दूसरा एंटीजन ए वाले को हमने ए बी वाला दे दिया तो क्या होगा, तो एंटीजन बी क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को खत्म करता है, राइट। इसकी वजह से कोएगुलेशन होता है और डेथ होने की भी चांसेस रहती है, राइट। सो दैट क्या होगा, तो बी वाला जो होगा पर्सन वो बी ग्रुप्स वाले या तो ओ के पास से ही ले सकता है। आगे हम बात करें तो ए बी, तो ए बी ग्रुप जो होता है वो स्टूडेंट इसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, राइट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि क्या, तो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है बिकॉज ऑफ ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है उसके सरफेस पे, राइट, और ओ का भी ले सकता है बिकॉज ऑफ उसके सरफेस पे, तो कोई एंटीजन ही नहीं है, राइट। तो ए बी ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, ओके। ए बी ओ ग्रुप इनके बेस पे हम बात करें तो क्लियर। जब हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की तो इट्स नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ ये सबको ब्लड दे सकता है, राइट। तो ओ ग्रुप बिकॉज ऑफ उसके जो सर्फेस है उसके ऊपर आपको कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो अनदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, स्टूडेंट क्या हुआ, इनिशियली जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी ओ टाइप से होता था, उसके बाद एक रेसस नाम के मंकी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रेसस मंकी के ब्लड सेल्स के अंदर एक नया एंटीजन फाउंड किया गया, राइट। सो वो जो एंटीजन था वो था आर एच एंटीजन, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आर एच फॉर द रेसस मंकी, राइट, मंकी में से अराइज हुआ है सो दैट उसका आर एच यूज किया गया है। Another type of blood grouping is RH blood grouping. तो इस RH blood grouping में क्या होगा? अगर RH antigen present on the surface, right? That is known as RH positive. और अगर RH antigen absent होगा, that is known as RH negative. Student यहाँ पे आप देखो तो maximum 70-80% ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको आरएच पॉजिटिव एंटीजन देखने को मिलेगा, वेयर एज फ्यू 20-25% ऑफ द ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको ये नेगेटिव देखने को मिला है, यानी कि एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन देखने को मिलेगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है दैट टाइम आरएच ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग भी की जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा तो सबका ब्लड ग्रुप में ऐसा होता है कि ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है। तो वो क्या है, तो बिकॉज ऑफ दिस आर एच एंटीजन कि आर एच पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट होगा, तो दैट टाइम वी यूज आर एच यानी कि पॉजिटिव वर्ड लगाया जाता है। जैसे कि किसी का ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ब्लड हो सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट करते हैं वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन, ओके, जिसमें स्टूडेंट ये ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव सो वेरी रेयर केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, सबसे रेयर केस में आपको ये ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलेगा, राइट। सो दैट इसकी अवेबिलिटीज में भी बहुत इश्यूज होते हैं कि अगर इसकी, क्योंकि ये ग्रुप्स ऐसे हैं कि किसी और का ब्लड ग्रुप्स नहीं ले सकते, सिर्फ उसे अपना ही सेम नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ही चाहिए होता है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग्स आपको क्लियर है, ए बी ओ ग्रुपिंग, राइट, जिसमें डोनर रेसिपिएंट एंड टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज ध्यान रखनी है, देन आर एच ब्लड ग्रुपिंग जिसमें प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन कहां से फाउंड हुआ था, तो रेसस मंकी के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो RH इफेक्ट है, राइट, तो स्टूडेंट ये जो पर्टिकुलरली एक स्टडी के बेसिस पे प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ऑब्जर्व किया गया था कि फॉर एग्जांपल कि प्रेग्नेंट वुमेन का, एक प्रेग्नेंट
वुमन का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, राइट? बट इसका जो इन्फंट, राइट, तो एम्ब्रियो में जो बेबी था, बेबी का होगा RH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ऑफकोर्स यहाँ पे टू ऑपोजिट टाइप्स ऑफ ब्लड एक ही बॉडी में है, तो फर्स्ट टाइम जब वो वुमन के अंदर क्या होगा, तो जो फोटस ग्रो होता है दैट टाइम इसके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट हो गए, सो वो कैसे हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम वो किल नहीं होते। अगर सेकेंड टाइम अगेन प्रेगनेंसी रही और तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो फोटस है वो फोटस की हो जाएगा, राइट, या तो फिर मदर को मदर की भी डेथ होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो देखने को मिलेंगी, राइट। स्टूडेंट आपकी बुक में है ना, यहाँ पे मैंने अपोजिट लिया हुआ है कि RH जो होता है मदर का नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन स्टूडेंट याद रखना दोनों में से कौन किसी का भी अगर अपोजिट हुआ तो फर्स्ट टाइम सेंसिटिव होगा, सेकेंड टाइम पे अगर प्रेगनेंसी रही फोटस अगेन अपोजिट रहा तो क्या होगा, तो सीधा जो भी मदर होगा मदर की जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो किल होने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटस कहते हैं, ओके, दैट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं, वन काइंड ऑफ ये क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस इसे हम कहेंगे। क्या होगा, तो जो इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स होंगे वो किल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे टू ऑपोजिट एंटीजन है इस वजह से, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशंस में सेंसिटिव होते हैं, अगेन रहा, अगेन जो प्रेगनेंसी के बाद अगर ऑपोजिट एंटीजन रहा तो क्या होगा, तो रेड ब्लड सेल्स किल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके, दैट इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कोएगुलेशंस ऑफ ब्लड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग ध्यान रखना, ओके, थैंक यू।